नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शर्जिल फिलहाल असम की जेल में बंद है और उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने UAPA के तहत केस दर्ज कर रखा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि शर्जिल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने असम में उनके प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन किया है, क्योंकि वो गुवाहाटी की सेंट्रल जेल में बंद है। 25 जुलाई के पहले उन्हें दिल्ली के कोर्ट में हाजिर किया जाना था, पर अभी तक उनकी पेशी नहीं हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के IG ऑफ प्रिजंस ने बताया है कि गुवाहाटी सेंट्रल जेल के 435 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि वहां 1000 के आसपास कैदी होंगे। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की जेलों को डेथ कैंप बना रही है। ऐसे समय में JNU छात्र शर्जिल की जान को खतरा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि शर्जिल इमाम का नाम उन राजनीतिक कैदियों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्हें मोदी शासन काल में फर्जी आरोपों को लेकर जेल में बंद किया गया और वहां उन्हें कोरोना वायरस हो गया। एक छात्र जिसकी जान खतरे में है, ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने इस महामारी को राजनीतिक अंडर ट्रायल कैदियों के लिए जेलों को डेथ कैंप बदल दिया है। दरअसल इमाम को उनके एक बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने असम को देश के बाकी हिस्सों से काट देने की बात कही थी। बाद में सफाई के तौर पर उन्होंने इसे चक्का जाम करने की बात बताया था। दिल्ली के शाहीन बाग में हुए CAA विरोधी प्रदर्शन में वो शुरुआती तौर पर एक सक्रिय वॉलंटियर भी रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।